तो दोस्तों, जैसा कि हम एलाइट की तैयारी कर रहे थे और हमने पहले भी वीडियोस कर ली हैं, तो आज हम जो वीडियो करेंगे उसमें होगा आर्ट एंड कल्चर और जो पहाड़ी पेंटिंग होती है, बाकी जितने भी फोक सॉन्ग हैं, फोक ड्रामा है या फोक डांस है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे म्यूजियम्स। तो पहला म्यूजियम है भूरी सिंह म्यूजियम। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। और किसने की थी? इसकी की थी राजा भूर सिंह ने। और इसमें क्या है, इसमें कांगड़ा और बसोली शैली की कलाकृतियाँ पड़ी हुई हैं। और भूर सिंह म्यूजियम कहाँ है? ये चंबा ज़िले में है, ठीक है। नेक्स्ट है नगर आर्ट गैलरी। ये कहाँ पे है? नगर आर्ट गैलरी है कुल्लू में। और इसको बोलते हैं रोरिक आर्ट गैलरी, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की थी? निकोलस रोरिक ने। और निकोलस रोरिक कहाँ के थे? ये थे रशिया के। और निकोलस रोरिक ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है अवॉर्ड ऑफ लाइट। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अंद्रेटा आर्ट गैलरी, ठीक है। अंद्रेटा आर्ट गैलरी कहाँ पे? ये पालमपुर में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? नोरा रिचर्ड ने। और नोरा रिचर्ड कहाँ की थी? ये थी आयरलैंड की। ये कौन थी? ये थी वाइफ ऑफ शोभा सिंह। इसमें और इस म्यूजियम में शोभा सिंह की कई कलाकृतियाँ, मतलब कई पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं। जो मेन पेंटिंग्स हैं उनमें सोनी माहिवाल और कांगड़ा ब्राइड जो है फेमस है। और नोरा रिचर्ड ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है कंट्री लाइफ। नेक्स्ट है स्टेट म्यूजियम। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। और ये कहाँ पे है? ये है शिमला में। नेक्स्ट है जनजातीय संग्रहालय, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। और ये जनजातीय संग्रहालय कहाँ पे? ये है केलोंग में। केलोंग क्या है? ये लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है। लाहौल का हेडक्वार्टर केलोंग है, तो ये ध्यान रखिए लाहौल स्पीति में है जनजातीय संग्रहालय। अब नेक्स्ट हम करेंगे पहाड़ी पेंटिंग्स। तो पहाड़ी पेंटिंग्स में सबसे पहले बसोली शैली के बारे में पढ़ेंगे। जो बसोली शैली है ये जम्मू से आई थी, ठीक है। इसका विकास राजा कृपाल सिंह के समय में हुआ था। और कब हुआ था? 1678 से लेकर 1694 में, ठीक है। अब नेक्स्ट है कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली जो है इसका जन्म गुलेर की कलम से हुआ है, ठीक है। और इसका विकास सबसे ज़्यादा संसार चंद के टाइम हुआ है। और संसार चंद ने सुजानपुर टीरा को इसका वो माना था, मतलब मीनगढ़, जहाँ पर इसका विकास हुआ था। हिमाचल में कांगड़ा शैली सेव वंश की देन है। सेव वंश के दो प्रमुख चित्रकार थे मनकू और नैनसुक, ठीक है। नेक्स्ट है चंबा कलम। चंबा कलम का विकास हुआ था राज सिंह के समय में। इसके निक्का जो है प्रसिद्ध चित्रकार था चंबा कलम का, ये ध्यान में रखना। तो चलिए अब हम करते हैं फोक सॉन्ग, फोक ड्रामा एंड फोक डांस। तो ड्रामा सबसे पहले कौन कौन से ड्रामा है? ड्रामा है करियाला। करियाला कहाँ का है? यह है शिमला का। स्वांग यह बिलासपुर का। बाठड़ा मंडी का। भक्तू कांगड़ा का। झांकी चंबा का। चंद्रौली कांगड़ा का। अब हम कुछ फोक डांस करते हैं। शिमला के हैं ठोडा चौहारा, सिरमौर का नाटी, झूड़ी बुरा बिट्सू, कुल्लू का कठड़ी, रोहचू का, चंबा का झांझर, चुराही किन्नौर का क्यांग विक्यांग रशियांग चाम, और लाहौल स्पीति का शान शाबू और लंगदार था। अब सॉन्ग्स करते हैं। सॉन्ग्स हैं चंबा का कुंजू चुंचलो, राजा गद्दन, सूही माता को समर्पित एक नुआड़ा, ये भी चंबा का है। और बिलासपुर के हैं मोहना जुंडूटू। तो ये छोटी सी वीडियो थी, इसमें मैंने मेन मेन सब कवर कर दिया है आर्ट एंड कल्चर के बारे में। आशा है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।